रुपयों का चक्कर बाबू भैया, रुपयों का चक्कर। जो ना कराए, जो भी खालिस्तान को आतंकवाद का प्रतीक समझते हैं वो सरासर गलत है। एक अनोखा उद्योग है जिसकी विभिन्न शाखाएं हैं। उग्रवाद से लेकर राजनीति तक हर जगह इनकी पहुंच है और अब ई कॉमर्स में भी इन्होंने एंट्री दर्ज की है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एक विवादास्पद ऐप को सार्वजनिक तौर पर बढ़ावा देकर खालिस्तानियों ने एक बार फिर से अपनी कुंठित मानसिकता को जगजाहिर किया है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। आपको सुल्ली डील्स तो याद ही होगा। जी हाँ, वो विवादास्पद साइट जो कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं की तस्करी में लिप्त पाई गई थी, अब उसका एक नया संस्करण सामने आया है, बुल्ली बाई। GitHub पर लॉन्च हुए इस ऐप में वो सारे फीचर्स हैं जो सुल्ली डील्स में शामिल थे, परंतु इसमें एक ट्विस्ट है। यहां ओनर खालिस्तानी है। चौंक गए क्या? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुल्ली बाई के ओनर स्वयं स्वीकार रहे थे और इसे खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर प्रमोट भी किया, जिन्होंने एक कॉमन टैग का प्रयोग किया, हम बुल्ली बाई सुप्रीमेसी में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये बुल्ली बाई और सुल्ली डील में नाता क्या है, और ये सुल्ली डील्स ऐप वास्तव में था क्या? अगस्त 2021 में प्रकाशित TFI पोस्ट के एक विश्लेषणात्मक पोस्ट के अनुसार सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की फोटो सुल्ली डील्स के नाम से एक ऐप के जरिए वायरल और नीलाम की जा रही थी। जब ये ऐप सामने आया तब दिल्ली महिला आयोग ने सुल्ली डील्स ऐप विवाद में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। मामले में सामने आया है कि इस ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें बिना उनकी इजाजत के अपलोड की गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की, और जब जांच हुई तो सुल्ली डील्स मामले में सामने आया कि इस प्रकरण में हिंदुओं का नाम जोड़ना तो मुस्लिम और लिबरल्स द्वारा हिंदू समाज को बदनाम करने की एक साजिश थी, क्योंकि असल दोषी तो मुसलमान थे। अब खैर, दोषी तो दोषी होता है, परंतु उसके धर्म से क्या मतलब? इस पूरे प्रकरण का दोषी मुसलमान होने के बाद इस मामले पर लोगों की चुप्पी खलती है। अब सुल्ली डील्स में तो बहुत बाद में ये समझ में आया था कि इस विवादास्पद ऐप को तो वास्तव में मुसलमान ही संचालित कर रहे थे, परंतु यहां तो अपनी पहचान छुपाने का भी प्रयास नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बुल्ली बाई के ओनर जानबूझकर अपनी पहचान सार्वजनिक किए हुए थे, मानो वे ये कहना चाहते थे कि आपको जो करना है कर लीजिए। फिलहाल केंद्र सरकार ने IT अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश दिए हैं और बुल्ली बाई के नाम का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि खालिस्तान के बिजनेस का दायरा बढ़ चुका है और समय आने पर ये अपने आकाओं को भी लात मारने को तैयार हो सकते हैं।